एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा पेपर। मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए एनसीईआरटी कथा, एनटीए बेस। जी हाँ, वो एनसीईआरटी कथा जिसमें ये कहा जाता है कि एनटीए ने कहा एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन पेपर होगा। जेई में काफ़ी कुछ ऐसा आ रहा है आने वाले समय में, नीट में भी ऐसा आए, इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ कि एनसीईआरटी कथा। आपके मन में ये बहम ना रह जाए कि काश हमें कोई एनसीईआरटी पढ़ा देता, आपके मन में ये कुछ ऐसा ना रह जाए कि मैं एनसीईआरटी का एक बार रिवीजन कर लेता। बहुत सारे बच्चे हैं आप में से जो एनसीईआरटी के बारे में नहीं जानते। मेरे साथ उस कथा को सुनिएगा। क्या मैं करूंगा उसमें, तीन बातें। पहला, मैं आपको बताऊंगा इस पेज से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन आया है और क्या आने के बहुत बहुत आगे की ओर चांसेस हैं। और क्या मैं दूंगा आपको, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट नोट्स, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या क्या आया है, क्या आ सकता है। तो वो एनसीईआरटी जिसको आप आधार मान करके करते हैं, वो एनसीईआरटी जिसे आप पढ़ते भी हैं, उस एनसीईआरटी में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से क्या पढ़ना था, क्या नहीं पढ़ना था और किस तरह से पढ़ना था। तो ज़रूर आइएगा प्रसाद के तौर पर। प्रीवियस ईयर किस तरह के क्वेश्चन आए थे, कैसे आ सकते हैं, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कहां कहां से एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो मिलते हैं आपसे एनसीईआरटी कथा में बहुत जल्दी, और प्रसाद ज़रूर लेकर के जाइएगा। धन्यवाद।